स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल लिजी इंग्लिश क्लास में देखिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा तो सेंटेंस तो कम है लेकिन मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही ज़्यादा करवाता हूँ तो आप स्ट्रक्चर के साथ साथ और पहचान के साथ साथ प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है ठीक है देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें यह होता है जो पहचान हमारी पास्ट टेंस की होती है वही पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस की भी होती है आप एक पहचान को याद कर लीजिए दोनों की पहचान याद हो जाएंगे बस देखिए फ़र्क इतना है कि जो पास्ट टेंस होते हैं उन वाक्यों में समय नहीं दिया गया होता है लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उन वाक्यों में समय दिया गया होता है ठीक और समय देखिए अब अब यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बदल जाता है लेकिन हिंदी वाक्य की जो पहचान होती है वो पहचान में कोई फ़र्क नहीं रहता है वहाँ पास्ट टेंस की जो पहचान होती है वहाँ पर भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रहे थे आदि शब्द आते हैं वही पहचान हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे आदि शब्द आते हैं बस अंतर इतना रहता है कि वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय नहीं दिया गया होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय अवश्य दिया होता है और समय दिया जाने के कारण ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहलाता है देखिए इसमें यह होता है कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिए सब्जेक्ट प्लस हाइडबीन उसके बाद वर्ग की फर्स्ट वो में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद रखा जाएगा सिंस या फॉर प्लस सिंस या फॉर रखने के बाद जो टाइम होता है टाइम से जुड़ा हुआ उसको रख दिया जाता है देखिए जो टाइम से जुड़ा जो शब्द होता है उसको रख दिया जाएगा और यहाँ पर यह देखा जाएगा कि अगर निश्चित समय की बात अगर की जा रही है तो सिंस का प्रयोग किया जाता है और अगर अनिश्चित समय की बात की जाती है तो फॉर का प्रयोग किया जाता है यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है जैसे दो बजे से जनवरी से फरवरी से मार्च से किसी महीने का नाम ले लिया जाए या एक निश्चित समय से दो बजे से तीन बजे से पांच बजे से दस बजे से तो यह निश्चित समय आता है इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे ठीक है कह दिया जाए जनवरी से फरवरी से मार्च से तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा कह दिया जाए कि उन्नीस से उन्नीस से या 2015 से 2020 से तो इस ये सब निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं ये यहाँ पर शिश का प्रयोग होगा और अगर कह दिया जाए कि रविवार से सोमवार से मंगलवार से बुधवार से तो ये दिन के नाम अगर आते हैं तब तो ये भी निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं इसके साथ भी शिश का प्रयोग किया जा जाता है लेकिन अगर कह दिया जाए कि कई घंटे से या कह जाए दो घंटे से तीन घंटे से या कई घंटे से या कह दिया जाए कई दिनों से ठीक कई महीनों से तब उसके लिए फिर अनिश्चित समय होता है और इसके साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है कह दिया जाए सुबह से दोपहर से शाम से तो ये भी निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं शब्द तो इसके साथ भी सिंस का प्रयोग किया जाता है ठीक है तो अब चलिए हम प्रैक्टिस करवाते हैं ज़रा आप लोग साथ साथ करिएगा वह दो दिन से स्कूल जा रहा था ठीक है तो ही आप देखिए वह दो दिन से स्कूल जा रहा था ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज आप देखिए दो दिन से जो है ठीक है तो यहाँ पर दिन का कोई नाम तो है नहीं दिया गया तो इसलिए फॉर टू डेज या अनिश्चित समय हो गया है यहाँ देखिए आप लोग अनिश्चित समय फॉर टू डेज अच्छा अगर कह दिया, दिया जाए कि वह दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा था तो यहाँ पर हो जाएगा हैड तो वह दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा था ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज अगर कह दिया जाए कि क्या वह दो दिन से स्कूल जा रहा था तो यह हैड पहले आ जाएगा यानी क्या से शुरू हो गया फर्स्ट एप इंट्रोगेटिव है तो हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज और अगर इसको इस तरीके से बना दिया जाए कि क्या वह दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा था तो हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज यानी यह हैड पहले आएगा और इसके जगह यहाँ पर नॉट हो जाएगा फिर बीन फिर गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज लेकिन अगर इसको सेकेंड टैप इंट्रोगेटिव में ले जाना है तो इन्हीं वह दो दिन से स्कूल क्यों जा रहा था तो वाई हैड सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज ठीक अगर यहाँ पर से वह से लिखा हुआ है कि वह से वह सोमवार से स्कूल जा रहा था तब यहाँ पर लिखा जाता कि व ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर की फॉर्क सिंस हो जाता सोमवार से तो सिंस मंडे हो जाता ठीक है और अगर कह दिया जाता कि वह जनवरी से स्कूल जा रहा था तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी ठीक आगे देखिए वह सोमवार से बा, बाजार नहीं जा रहा था तो ही हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे देखिए यहाँ पर दिन की बात आई है तो यहाँ पर सिंस लिखा हुआ है फिर आगे देखिए तुम एक सप्ताह से कार्यालय क्यों नहीं जा रहे थे तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया यह सेकेंड टाइप हो गया अब इसकी अंग्रेजी पहले बनाइए वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर वन वीक ठीक है तुम एक सप्ताह से कार्यालय क्यों नहीं जा रहे थे अग, अगला है आप पाँच दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे वाई हैड यू नॉट बीन देखिए हैड यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर फाइव डेज देखिए अब यहाँ पर फाइव पाँच दिन की बात है इसलिए फाइव डेज का प्रयोग किया गया है ठीक है देखिए अब यहाँ पर प्रैक्टिस जरा कर लीजिए फिर से एक बार जैसे वह सोमवार से बाजार नहीं जा रहा था तो ही हैड नॉट बिन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे अगर कह दिया जाए कि वह फरवरी से बाजार नहीं जा रहा था तो ही हैड नॉट बिन गोइंग टू मार्केट सिंस फरवरी और लिख दिया जाए कि वह मार्च से स्कूल नहीं वह मार्च से बाजार नहीं जा रहा था तो ही हैड नॉट बिन गोइंग टू मार्केट सिंस मार्च ठीक और अगर यहीं पर अगर से दिन का नाम है या जन्म या किसी महीने का नाम है तब यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा ठीक है मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेलाइकन को दबाएँ ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके थैंक यू सो मच